हाँ मैं पता है आप लोगों को। जब मैं ये सोचता था, शायद आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार काश काश कोई मुझे इतनी छूट दे दे कि तू जा पढ़ ले जो मन करना है पढ़ ले, काश कोई मेरे, चलो ये भी नहीं छोड़ो, काश कोई मेरे फेलियर को समझ ले। क्योंकि इंसान, पता क्या है, इस दुनिया में फेलियर को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आपकी सक्सेस को सैल्यूट करने वाली दुनिया मिल जाएगी, आपके फेलियर को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मैं जब एसएसबी जाता था, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रैक किया तो लोगों ने मुझे सैल्यूट किया, तो पहली बार में ही मुझे स्क्रीनिंग से औलाद पड़ी ना, तो कोई समझने वाला नहीं। मैं तो इतना चाहता था कि यार काश को इतना ही कह दे कि चल कोई बात नहीं अगली बार, लोग तब भी गालियां देते थे ना तुमसे ना हो पाए, और हमारा दिल यही कहता था कि यार हमसे क्यों नहीं हो पाएगा, जब हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, हमें ऐसी क्या कमी है भाई। फिर दोबारा पेपर दिया, फिर से निकाला, फिर गए, फिर कॉन्फ्रेंस आउट, दिल बार बार ये कहता था कि ऐसा क्या कर दिया। ऊपर वाले को मैं तो खैर आपके सामने खुला बोलूंगा, मैं ऊपर वाले को भी बहुत ब्लेम करता था कि मेरे साथ गलत कर रहा। तो उस समय एक ही बात आती थी कि काश कोई तो सहारा दे, कोई तो कंधे पे सर रख के ऐसे रोने का मन करता कि यार कोई तो कह दे वाह मेरे बच्चे वाह मेरे शेर चल कोई बात नहीं आगे बढ़। ऐसा नहीं है, माता पिता कहते थे, लेकिन उनको भी क्या जवाब दें, उनकी तो गलती नहीं थी ना। तो मैं प्लीज सबसे पहले उन बच्चों को समझाना चाहता हूं, मेरे बच्चों अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी मानते हैं तो जिंदगी में हारना नहीं, क्यों नहीं हारना, कि तुमने 12-12 घंटे क्लास लिए बैठ के, पता है आपको वो रात के 2 बजे वाली क्लास मेरे को याद है, जब आंखें लाल होती और तुम सारे बैठे हुए थे, पता है मैं उसी दिन समझ गया था कि आप सभी बहुत मेहनत करते हो, आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो आपके आगे चले। तो यार क्या हुआ अगर कोई पेपर खराब हो गया, अगर कोई पेपर खराब हो गया तो क्या उससे तुम्हारा टैलेंट खत्म हो गया? क्या मुझे एसएसबी वालों ने निकाल दिया था तो क्या मैंने जिंदगी में जीना छोड़ दिया, मैंने काम में तो उतना और खतरनाक होता चला गया? क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को निकाला एसएसबी से तो क्या वो उनके अंदर टैलेंट नहीं था, क्या वो तीनों सेनाओं के मालिक बन बैठे? मैं यही कहना चाह रहा हूं, अब बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बहुत मेहनती, और फिर वही बात, अभी माता पिता के सपने कंधे अपने कंधे पर हैं, यहां नहीं तो कहीं और मारेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं